खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। 5 बज चुके हैं और आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस शुरू करनी है। ये जो खबर है ये कहीं और नहीं, ये देश की राजधानी दिल्ली की खबर है। बहस शुरू करूं उससे पहले मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। इन तस्वीरों को देखिए, आज के इस बहस के मुद्दे को मुझे आपको और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली तस्वीर दिल्ली के एक मंदिर की है। उस मंदिर में रविवार रात को तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया। दूसरी तस्वीर झारखंड के सरायकेला जिले के रहने वाले तबरेज अंसारी की है, उस तबरेज की जिसे चोरी के आरोप के बाद भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। तबरेज को लेकर झारखंड से दिल्ली तक जमकर हंगामा हुआ। आप जानते हैं, यहां बैठकर मैंने ही बहस भी की थी। झारखंड को मॉब लिंचिंग का अड्डा बताया गया, पूरे झारखंड को सवारिया निशानों के बीच में डाल दिया गया, प्रधानमंत्री तक से जवाब तलब किया गया, संसद में पीएम को बयान देना पड़ा। तबरेज के मुद्दे पर फिर याद दिला दूं, हमने भी डिबेट की थी, सीधा सवाल पूछा था कि आखिर कोई कैसे पीट पीट कर किसी की जान ले सकता है। लेकिन दिल्ली के मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर चुप्पी, पिन ड्रॉप साइलेंस, सारे के सारे नेता चुप है, किसी को इसमें कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आज हम बहस करेंगे तो सवाल ये खड़ा किया जाएगा कि अलावा रूबिका हिंदू मुसलमान करने के कोई और काम ही नहीं करती है। झारखंड में तबरेज अंसारी की पत्नी को नौकरी और मुआवजे का ऐलान करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, खामोश हैं, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है। इसी सेलेक्टिव सोच और सियासत के खिलाफ हमारा आज का सीधा सवाल है। वोट बैंक देखकर आवाज उठाने वाले नेताओं के खिलाफ है हमारा आज का सीधा सवाल। भीड़ की हिंसा पर धर्म देखकर डबल स्टैंडर्ड अपनाने वाले नेताओं से है आज का हमारा सीधा सवाल। मैं अपने नेताओं, अपने तमाम पार्टी के नेता हूं या अलग अलग संगठन के नेता हूं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधे वो 5 सवाल जिन पर मेरी बहस होगी। दिल्ली में पार्किंग के झगड़े में मंदिर पर निशाना, दो लोगों की लड़ाई को धार्मिक बना दिया। आधी रात में भीड़ ने मंदिर में की तोड़फोड़। मंदिर में तोड़फोड़ पर लोगों का प्रदर्शन, मंदिर में तोड़फोड़ पर पुरानी दिल्ली में तनाव, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। मुझे बताया गया है कि पुलिस बहुत मुस्तैदी से इस दिशा में प्रयास कर रही है और बहुत ही जल्दी जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ भी लिया जाएगा, उनको सजा भी दिलाई जाएगी। दिल्ली के दिल में तालिबानी सोच। और अब सीधा सवाल में वो सवाल जिन पर आज की बहस होगी। पहला सवाल, पार्किंग के झगड़े को सांप्रदायिक क्यों बनाया गया? दो लोगों की लड़ाई थी, उसमें मंदिर पर निशाना क्यों साधा गया? क्या तालिबानी सोच से मंदिर पर हमला किया गया? दिल्ली में मंदिर पर हमले को लेकर सियासी चुप्पी क्यों है? कहां गए सबके सब? क्यों सिल गए सबके होठ? तबरेज की लिंचिंग पर हंगामा और मंदिर तोड़ने पर खामोशी क्यों? ये सेलेक्टिव अप्रोच इस देश के लिए ठीक नहीं है
और इसीलिए आज पर इस पर बहस करना चाहती हूं मैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे भी आपका मैं तारुफ करवाना चाहती हूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया अलमी आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त स्क्रीन पर। शाजिया बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राघव चड्ढा साहब है, इनफैक्ट पहली दफा मैं राघव चड्ढा के साथ बहस कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। राघव आपका मैं स्पेशली स्वागत करती हूँ। सुशील पंडित साहब राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। सुशील पंडित साहब का आज यहाँ होना इसलिए ज़रूरी है, कश्मीरी पंडित हैं, आप जानते हैं कश्मीर में किस तरीके से, ये जो हमारा चौथा सवाल था तालिबानी सोच वाला, उसका अगर कोई एक्सरे कर सकता है तो वो सुशील पंडित साहब है। विजय शंकर तिवारी साहब है VHP विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, यहाँ स्टूडियो में आपको नजर आ रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब है, इस्लाम के जानकार हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हैं। और हमारे साथ निशांत वर्मा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत राघव चड्ढा मैं आपसे करना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा था और जो हम लोग पैकेज चलाते हैं वो पैकेज चला रहे थे, उस वक्त मैं उनका ट्वीट देख रही थी, नीचे चली गई, जाती रही ट्विटर टाइमलाइन पर। दुनिया भर की चीज़ें लिखी हैं पर दिल्ली के उस मंदिर तोड़ने का जिक्र तक नहीं। और मैं आपसे जवाब लूँ उससे पहले मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, हमने ये फैसला लिया है, ABP न्यूज़ ने ये फैसला लिया है कि खंडित मूर्ति की तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे, मंदिर में तोड़फोड़ की तस्वीर हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि वो बहुतों का दिल दुखा सकती है। और ये फैसला बार बार मैं कहूंगी, वो खंडित मूर्ति हम टीवी पर नहीं दिखाने वाले। राघव, अरविंद केजरीवाल कहाँ है जी? सबसे पहली चीज तो ये है कि एक धारणा कृपया कर ना बनाएं कि आम आदमी पार्टी ने इस विषय में कोई बात नहीं करी है या कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहूंगा कि जब वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, हालात बिगड़े, झगड़ा हुआ दो समुदायों के बीच, उसी समय वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री और वहां के विधायक उसी समय वहां पहुंचे, पूरी रात वे वहां मौजूद थे, थाने में मौजूद थे, यहां तक कि अभी से 3 घंटा पहले भी वो थाने जाकर आए हैं, लोगों से अपील कर आए हैं कि वहां पर सद्भाव बनाए रखे, सांप्रदायिक सद्भाव ना भड़काए जाए। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी सरकार या आम आदमी पार्टी के नेता इस विषय में कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत और झूठ फैलाने जैसा होगा। हम वहीं पर सब शांति बनी रहे इसके प्रयास कर रहे हैं, और एक सरकार होने के नाते जिसके पास कानून व्यवस्था या दिल्ली पुलिस की पूरी वो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसके बावजूद जो हमसे बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो घटना घटी है उसकी घोर निंदा करना चाहूंगा, कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूंगा, और ये कहना चाहूंगा कि जो भी संस्था दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि धर दबोचे उन लोगों को जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। वो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती है, तो उसी समय लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जिम्मेदारी तय करी जाए। अभी तक जो जानकारी आ रही है गिरफ्तारियां हुई भी नहीं है, केवल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लोगों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है, कभी मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, मंदिर पर हमला हो रहा है, दो समुदायों के बीच झगड़ा हो रहा है, वसंत विहार में एक बूढ़े कपल को आज से 4 दिन पहले मार दिया गया। ये दंगा जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमरा रही है दिल्ली में, ये बहुत बड़ी। सुनिए राघव, मैंने आपको पूरा मौका दिया, मेरा सवाल सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि ये झूठ और ये भ्रम ना फैलाया जाए, मैं कोई झूठ, मैं कोई भ्रम नहीं फैला रही हूँ। अरविंद केजरीवाल इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, बहुत एक्टिव है। अभी 29 मिनट पहले दिल्ली कैबिनेट ने डिसाइड किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम मैंडेटरी बनाएंगे, ये ट्वीट किया उन्होंने। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उस पद पर बैठे हुए हैं। एक बयान राघव चड्ढा मुझे बता दीजिए, एक ट्वीट मुझे बता दीजिए। देखिए, अखलाक के घर पर जाकर मिले थे अरविंद केजरीवाल, उनके स्टेट में मंदिर खंडित कर दिया जाता, तोड़ दिया जाता है भीड़ की तरफ से, दुनिया जहान के कहान कामों में वो अपना हस्तक्षेप डालने की कोशिश करते हैं, अभी कहां है? देखिए, दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री जो अभी कैबिनेट की मीटिंग समाप्त करके दिल्ली की जनता के हित में इतने बड़े बड़े फैसले लिए, उसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से आपको दी, वे इस हिसाब से नहीं ट्वीट करेंगे कि
किसी एक न्यूज एंकर को या किसी एक न्यूज चैनल को क्या चीज भा रही है, वे दिल्ली की जनता के हित में ट्वीट करेंगे। ये आपको लगता हर चीज है पर कि रूबिका लियाकत को ट्वीट करते हैं, ये कहना भी गलत है। वे समय समय पर जो चीज नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये कहना कि उन्होंने ये नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सैकड़ों चीजों पर ट्वीट करते हैं और कई चीजों पर नहीं ट्वीट करते। दिल्ली किसकी है, तो हर चांदनी चौक किसकी है, हर चीज पर कमेंट करे, इसके पक्ष में कमेंट करे, उसके विरोध में कमेंट करे, ये कहना गलत है। अभी आज से एक आज से दो दिन पहले हमारा है चांदनी चौक, केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी मर्जी वो इस पर ट्वीट करें या नहीं, दो दिन पहले उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आज से दो दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, दिल्ली के दिल में बसे 100 साल पुराने मंदिर पर एक भीड़ उग्र होकर हमला कर देती है। डिबेट का सांप्रदायिक करना करें।